गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू फार्माकोलॉजी क्लास. इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज़ एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, इन विच वी स्टडीड अबाउट द थायरॉयड फार्माकोलॉजी, एंटी थायरॉयड ड्रग्स. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. मैंने आपको कहा ही था कि हमारे को स्टीरॉइड्स स्टार्ट करने हैं, तो स्टीरॉइड्स में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. देखिए इंट्रोडक्शन स्टीरॉइड्स का, आप जानते हैं एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स. मेड्यूला से एपिनेफ्रिन सीक्रेट होता है, जबकि कॉर्टेक्स में फिर फर्दर उसका डिवाइडेशन है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्यूलेटा और जोना रेटिक्यूलारिस. ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं, जबकि फेसिक्यूलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो सीक्रेट होते हैं हार्मोन. अब इस स्लाइड के अंदर इन स्टीरॉइड्स के बायोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है कि ये स्टीरॉइड्स कैसे बनते हैं. एड्रोजन का पाथवे क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का पाथवे क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का पाथवे क्या है. ये पाथवे आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा. बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है डिटेल में इसको पढ़ना आप लोगों के लिए. अब देखिए स्टीरॉइड ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो रिवर्सिबली ट्रांसकॉर्टिन से बाइंड होता है. ट्रांसकॉर्टिन एक अल्फा ग्लोबुलिन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर अल्फा आएगा वर्ड, अल्फा ग्लोबुलिन है. 80% फार्माकोस्टेरॉल जो है वो ट्रांसकॉर्टिन से बाउंड होते हैं, केवल 10% सीरम एल्ब्यूमिन से बाउंड होते हैं, और रिमेनिंग जो 10% है वो फ्री हार्मोन के फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रांसकॉर्टिन से बाउंड होता है, ट्रांसकॉर्टिन एक अल्फा ग्लोबुलिन है. फार्माकोर्टिसोल 80% ट्रांसकॉर्टिन से बाउंड होता है, 10% सीरम एल्ब्यूमिन से, और 10% फ्री हार्मोन के फॉर्म में हमारे ब्लड में पाया जाता है. ये कॉर्टिसोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कॉर्टिसोन कॉर्टिसोल वगैरह का कैसे ये ट्रांस रिप्रेशन और कैसे ट्रांस एक्टिवेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर कर रहा है. और ट्रांस एक्टिवेशन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बढ़ जाता है CAMP डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम्स के इंडक्शन की वजह से, ये इसको इंड्यूस कर देता है. एनेक्सिन 1 के फॉर्मेशन को यानी लाइपोकॉर्टिन 1 के फॉर्मेशन को ये इंड्यूस करता है. लाइपोकॉर्टिन 1 फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है, एनेक्सिन जिससे स्लो हो जाता है, और ये इसी वजह से कुछ घंटों के बाद एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अपना प्रोड्यूस करता है. ट्रांस रिप्रेशन में ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जैसे कि AP नेक्रोटाइजिंग फैक्टर इनको इनहिबिट कर देगा. ट्रांसक्रिप्शन के जो जीन्स हैं जैसे COX-2 साइटोकाइंस और नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेज के इंड्यूसिबल फॉर्म्स वगैरह, इन सबको इनहिबिट कर देता है. बायोलॉजिकल लैग आ जाता है कई घंटों का इस मेडिसिन के इफेक्ट से पहले. इफेक्ट्स जो है प्रेजेंट इवन व्हेन स्टीरॉयड लेवल्स फॉल, स्टीरॉयड्स आपके बॉडी में कम भी हो जाएंगे तब भी इस ये जो एक्शन है इसका इफेक्ट दिखाई देगा, और इसके साइड इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं. ऑल्टरनेटिव डे की थेरेपी को आप दे करके, रेगुलर ना दें, ऑल्टरनेटिव थेरेपी आप दे सकते हैं. अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो है, उस रिसेप्टर के ऊपर ड्रग्स बाइंड होंगी. मेनली किडनी के अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है, किडनी के अलावा कोलन में, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हिपोकैम्पस के अंदर. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पर बाइंड होते हैं. MRs एल्डोस्टेरॉन, हाइड्रोकॉर्टिसोन यानी कॉर्टिसोल वगैरह को भी बाइंड करके इक्वल एफिनिटी दिखाता है. कॉर्टिसोल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है 11-beta-HSD जो कि MRs पर बाइंड होता है. इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन जो है एग्जिस्ट एज हेमी एसिटाइल डेरिवेटिव विच इज रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन ऑफ 11-beta-HSD. अगर आपको ये वाले पॉइंट समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिसेप्टर्स वगैरह इतने हमारे को बताने कोई खास जरूरी नहीं है. पूरा मैकेनिज्म डिटेल में बताया हुआ है जो आपके कोई ज़्यादा काम का नहीं है. आपके लिए तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आपको पता होने चाहिए जनरल कंसिडरेशन में, कि जो कॉर्टिकोड्स जो उनके एक्शंस हैं उनको अपन डिवाइड कर रहे हैं, एक तो ग्लूको और एक मिनरलों के अंदर. ग्लूको के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, जिसमें ये एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शंस दिखाएंगे. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो सोडियम पोटेशियम फ्लूइड को होम्योस्टासिस के ऊपर अपना एक्शन दिखाते हैं, क्योंकि अपन स्टीरॉइड्स पढ़ रहे हैं. स्टीरॉइड्स में दो चीज़ें हमने बोली, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स.
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो कार्ब, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर असर दिखाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन होता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, वीक कर देते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो सोडियम, पोटेशियम और फ्लूड को के होम्योस्टासिस को हमारी बॉडी में बैलेंस करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की पोटेंसी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के जैसी ही होती है। डायरेक्ट और सम परमिसिव एक्शन भी इनका दिखाई दे रहा होता है, देखने को मिलता है हमारे को। और तीसरा, एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो डिप्रेस कर देता है कुछ हॉर्मोन्स के सीक्रीशन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्शन देखिए, पहला ये कार्ब और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर एक्शन दिखाता है, क्योंकि ये एंटी इंसुलिन इफेक्ट दिखाता है, इंसुलिन को कम कर देगा, जिससे कि पेरिफेरल यूटिलाइजेशन जो ग्लूकोज का है वो कम हो जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, प्लस मसल्स में, कनेक्टिव टिश्यूज और स्किन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोक देता है। कहने का मतलब है ये ग्लूकोज के लेवल को हमारे अंदर बढ़ा रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। कैसे? कि पेरिफ्राई में ग्लूकोज को यूटिलाइज होने नहीं देता, उसको कम कर देता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स वगैरह से भी ये क्या करता है? ग्लूकोज को बनाता है और मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और स्किन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोक देता है। इसका नेट रिजल्ट क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्ट्रेशन का? ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, लीवर का ग्लाइकोजन बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगा। और लंबे समय तक अगर आप इसकी हाई डोज दे रहे हो तो डायबिटीज़, मेलाइटस जैसी कंडीशन हो जाएगी, प्रोटीन वास्टिंग हो जाएगी पर्सन के अंदर। ये तो थे ग्लूकोज और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है फैट का मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? लाइपोलाइटिक इफेक्ट बढ़ जाता है। किसका? ग्रोथ हार्मोन का, एड्रेनालिन का और थायरॉक्सिन का। इसके अलावा फ्री फैटी एसिड्स का मेटाबॉलाइजेशन बढ़ जाता है, इंसुलिन रिलीज होने लगता है, जिससे फैट का डिपोजिशन भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक हाई डोज लेओगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फैट का, नेक और शोल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बफेलो हम्प जैसी कंडीशन हो जाएगी, ये फूल जाएंगे, इंसान झुक जाता है आगे की तरफ, फेस मून फेस हो जाता है, कि पूरा फैट वैट डिपोजिट हो जाता है, गोल मटोल सा चेहरा दिखाई देने लग जाता है। एब्डोमेन के अंदर सेंट्रीपिटल ओबेसिटी देखने को मिल रही होती है, मोटापा आ जाएगा चेहरे पे, पेट पे फैट डिपॉजिट हो जाता है। क्यूटा स्ट्राई, स्किन में स्ट्रेचिंग हो जाती है। सेंट्रल एडिपोसाइट्स जो होते हैं वो इंसुलिन के बहुत ज़्यादा, इंसुलिन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं। तो ये जो अभी तक हम बोल रहे थे वो ये कंडीशन इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं। इसको अपन कुशिंग सिंड्रोम कह रहे हैं। तो देखिए चेहरा एकदम मून जैसा हो गया, गोल मटोल, लाल लाल गाल हो चुके हैं, फैट के पैड्स आ चुके हैं कंधों पे, बैक में, जिसे बफेलो हेम्प जैसी कंडीशन बन जाती है। ब्रुसेबिलिटी, इकाइमोसिस हैमरेज की फॉर्म होती है। स्किन थिन हो गई है, बीपी हाई हो गया है, आर्म्स और लेग्स पतले हो गए हैं, लंबी लकीरें लाल रंग की पेट के ऊपर दिखाई दे रही हैं। पेंडुलस एब्डोमेन, लटकता हुआ पूरा पेट जो है वो दिखाई दे रहा होता है, और ऐसे लोगों के अंदर घाव बड़ी मुश्किल से भरते हैं। ये कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक्सपोजर ले रहे हैं, एलिवेटेड लेवल है, चाहे एंडोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हो चाहे एक्सोजिनसली आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहे हो, तो कुशिंग सिंड्रोम जैसी डिजीज हो जाती है, चाहे अंदरूनी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बन रहा हो चाहे बाहर से आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहे हो। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी इसमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये तो था कुशिंग सिंड्रोम के साथ इसका रोल। अब एंटी इन्फ्लामेटरी रोल क्या है भाई इन स्टेरॉइड्स का? तो एंडोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो डिफेंस रिस्पॉन्स को, एक्सेसिव डिफेंस रिस्पॉन्स को रोकता है, इन्फ्लामेशन को रोक देता है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। इन्फ्लामेशन को, इसको कारण से कोई मतलब नहीं, वो सीधा इन्फ्लामेशन को रोकेगा। मैक्रोफाज, मोनोसाइट्स, एंडोथीलियम फाइब्रोब्लास्ट के साथ ही अपना फंक्शन कर रहा होता है। लाइपोप्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, साइटोकाइन रिलीज को और टी सेल एक्टिवेशन को ये इनहिबिट करता है, साइटोकाइन रिलीज और टी सेल का एक्टिवेशन, जिससे कि कीमोटैक्सिस का प्रोसेस जो है वो धीमे हो जाता है। एडहेशन मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस को ये रोकता है, एडहेशन मॉलिक्यूल्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं।
और इन्फ्लामेशन की साइट में रिक्रूटमेंट जो है वो इम्पेयर कर देता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन कोई प्रोसेस जो है उसका पूरा एक मैकेनिज्म चलता है जो अपन पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, जहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, न्यूट्रोफिल का रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहा है, तो ये रिक्रूटमेंट इम्पेयर हो जाएगा, तो इन्फ्लामेशन प्रॉपर चल नहीं पाएगा, इस वजह से ये अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाता है इस तरह से। इसके अलावा ट्रांस रिप्रेशन या प्रो इन्फ्लामेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं, ये न्यूक्लियर फैक्टर के बी को इनहिबिट कर देता है, एन एफ के बी, और एक्टिवेटरी प्रोटीन ए पी वन को भी इनहिबिट करता है, जीन्स कॉक्स टू के लिए जो जीन्स है उसके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा, कई साइटोकाइंस वगैरह के भी ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा, लिम्फोसाइट्स में साइटोकाइंस का रिलीज को कम कर देता है लिम्फोसाइट्स से, तो इस तरह से ये अपना एक्शन दिखा रहा था, इंटरल्यूकिन वगैरह 1, 2, 4, 6 को ये उनके रिलीज को बंद कर देता है। मिसिलिनियस इफेक्ट में बेसोफिल्स और मास सेल्स दोनों के ऊपर अपना एक्शन दिखाता है, कैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है आईजीई डिपेंडेंट रिलीज जो है हिस्टामिन का उसको कम कर देगा, हिस्टामिन का रोल इन्फ्लामेशन में होता है जो कि बेसोफिल और मास सेल्स के डीग्रेन्यूलेशन से रिलीज हो रहा होता है, ये आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर पढ़ा है, और कैपिलरी परमेबिलिटी इस वजह से कम हो जाती है। एक्यूट फेज के अंदर रेक्टन प्रोडक्शन कम हो जाता है, कोलाजिनेज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, स्ट्रोमेलाइसिन हिंडर टिश्यू डैमेज के ऊपर ही अपना असर दिखाता है, प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी अगर ले रहे हो तो कोलाजिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि वूंड हीलिंग और रिपेयरिंग जो है वो रुक जाएगी, कि कोलाजिन मेन सीमेंटिंग मटेरियल होता है हीलिंग रिपेयरिंग के अंदर, तो इसका अगर आप लंबे समय तक थेरेपी ले रहे हो तो हीलिंग रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी पर्सन की बॉडी में। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या रोल है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, कैसे, ये साइटोकाइंस के जीन्स को इनहिबिट करता है, इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और INF गामा के जीन्स को इनहिबिट करता है, डिक्रीज साइटोकाइंस है वो टी सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होने देता है, टी सेल प्रोलिफरेट नहीं होगा ह्यूमर इम्यूनिटी भी इस वजह से ही सप्रेस भी हो जाती है, और एफसी रिसेप्टर्स जो मैक्रोफाज के हैं, मैक्रोफाज के ऊपर जो एफसी रिसेप्टर्स हैं उनका डाउन रेगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इन सब का ये असर पड़ेगा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में अपन इसको काम भी ले सकते हैं भाई। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, जैसे ऑर्गन डोनेशन वगैरह, हम किसी के अंदर किसी पर्सन में हीलिंग रिपेयरिंग नहीं हो रही हो, कोई टिश्यू कोई ऑर्गन फंक्शन नहीं करता, तो हम किसी और पर्सन का, आपने सुना है ना कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो ये तो थोड़ी बड़ी सर्जरीज हो गई, वरना माइल्ड सर्जरीज के अंदर कुछ पर्टिकुलर पार्ट टिश्यू वगैरह काट करके लगाया जाता है, कई पर्सन की बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं जो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह हो रहा है, उसको रिजेक्ट कर देती है, इसको अपन कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्यों कर देती है, क्योंकि उनके अंदर CMI AMI एक्टिवेट हो जाती है इस वजह से। अगर हम ये थेरेपी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह की स्टीरॉइड्स की थेरेपी इनको देंगे तो CMI AMI इनके अंदर सप्रेस हो जाएगी, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन को हम रोक सकते हैं उन लोगों में जहाँ पे अपन को ट्रांसप्लांटेशन करना है, क्योंकि ये एंटीजन एक्सप्रेशन को कम कर देता है ग्राफ्टेड टिश्यू के। ग्राफ्टेड टिश्यू में हमने क्या किया था, किसी बाहर के पर्सन से हमने टिश्यू लेकर के किसी दूसरे पर्सन में डाला, तो जब हमारे अंदर किसी और पर्सन का टिश्यू आएगा तो वो एज अ एंटीजन एक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी उस टिश्यू को डैमेज कर देती है, तो हमें ट्रांसप्लांटेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम ये थेरेपी देते हैं तो इस ग्राफ टिश्यू के रिजेक्शन को हम कम कर सकते हैं, रीवेस्कुलराइजेशन को डिले कर सकते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के सेंसिटाइजेशन को कम कर सकते हैं। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स कौन सी होती हैं, जो सेल को किल कर देती हैं, ऐसी टी सेल्स जो दूसरी सेल्स को किल कर देती हैं, तो वो भी कम हो जाती है, तो ऐसा इसका इम्यून रिस्पॉन्स है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में ये एंटीबॉडीज़ को इनहिबिट करता है और रीनल कैल्शियम के रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, जिससे कि ऑस्टियोइड टिश्यू का लॉस होने लग जाता है, कैल्शियम बोन में से ख़त्म होने लग जाएगा, भाई कैल्शियम निकलेगा तो ख़त्म होने लग जाएगा, कैल्शियम बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, स्पंजी बोन्स बन जाते हैं, जैसे हमारे वर्टिब्री और रिब्स की बोन्स जो है वो स्पंजी बन जाएंगी, ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएंगी, ज़्यादा जल्दी उनमें फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन का सीक्रीशन बढ़ जाता है, पेप्टिक अल्सर अगर किसी को है तो वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। CVS पर इफेक्ट क्या पड़ता है, डायरेक्टली ये कार्डिक आउटपुट को स्टिमुलेट करता है, पोटेंशियल प्रेशर
इफेक्ट दिखाता है ये कैटाकोलामाइंस और एंजियोटेंसिन सेकंड के ऊपर। हाइपरटेंशन और कंजेसिव हार्ट डिजीज़ को प्रीडिस्पोज करता है ये। हिमेटोपोइटिक सिस्टम में ये आरबीसी को बढ़ाएगा, आरबीसी प्लेटलेट न्यूट्रोफिल्स को सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जबकि लिम्फोसाइट्स इओसिनोफिल और बेसोफिल को कम करता है। लाइटिंग इफेक्ट दिखाता है ये मैलिग्नेंट लिम्फैटिक सेल के ऊपर। अगर लिम्फैटिक सेल में मैलिग्नेंसी यानी कैंसर जैसी कंडीशन है तो वहाँ पर ये लाइटिंग इफेक्ट दिखाएगा। लिम्फोमा को ट्रीट करने में, लिम्फोमा किसी के अंदर हो गया हो, लिम्फ का कैंसर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के ये काम में आ रहा होता है। इसका मिसिलिनियस इफेक्ट क्या है? कार्टिसोल नॉर्मल जीएफआर को मेंटेन करने का काम आता है। फीटल लंग के अंदर सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि फीटल लंग मैच्योर हो पाता है। सर्फेक्टेंट देते हैं अपन फीटल लंग को मैच्योर करने, किसी में प्री टर्म बेबी हो रहा हो तो ऐसे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर में भी इसकी हाई डोज दी जाती है, उसको प्रेसिपिटेट ये एक्चुअली कर देता है, इसकी हाई डोज पेप्टिक अल्सर को प्रेसिपिटेट कर देती है। यूरिक एसिड के रीनल एक्सक्रीशन को ये बढ़ा देता है। TRH के सिक्रीशन को ये डिप्रेस कर देता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को डिप्रेस कर देगा। नेक्स्ट, ये तो साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्शन, नेक्स्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक्शन। एल्डोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वगैरह के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। पोटेशियम और हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन को ये बढ़ा देगा। तीन तरह के मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं सोडियम रीअब्सॉर्प्शन के अंदर, उसमें इसका रोल होता है, जो आप ये खुद ही देख लीजिएगा, कोई खास आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब कैसे कैसे मेडिसिन देनी है। हाइड्रोकॉर्टिसोन 8 से 12 घंटे के एक्शन में अपना असर दिखाती है। जो कॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी 1, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी 1, इक्विवेलेंट डोज, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी में इक्विवेलेंट डोज में 20 दे सकते हो। ओरल IV वगैरह इसकी ड्रग्स अपन दे सकते हैं। तो ये चार्ट आप खुद देख लीजिएगा, सभी ड्रग्स के बारे में बताया गया है। हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, प्रिडनिसोन, प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, ट्रायामी, सिनोलोन और डिफ्लाजाकॉर्ट, प्रामीथाजोन, बीटामीथाजोन, डेक्सामीथाजोन वगैरह, ये तो सारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में अपन एल्डोस्टेरोन देते हैं, फ्लूडोकॉर्टिसोन देते हैं, टॉक्सिकॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन अपन ड्रग्स दे रहे होते हैं। तो कितने कितने डेज में कैसे कैसे डोज अपन दे सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। स्टीरॉयड्स के अंदर एक्लोमेटाजोन टॉपिकली, ये सारे वैसे टॉपिकली लगा रहे होते हैं, एक्लोमेटाजोन, एमसिनोमाइड, बैक्लोमेटासोन, ब्यूटिसोनाइड वगैरह, इनमें से कुछ इन्हेलर के रूप में भी काम में ले रहे हैं। स्टीरॉयड्स में डेक्सो जीमीटाजोन टॉपिकली, फ्लूसिनोलोन टॉपिकली, फ्लूनिसोलिड इन्हेलेशन के थ्रू, ऑप्थेल्मिक में फ्लूरोमीथालोन दे सकते हैं, टॉपिकल इन्हेलेशन में फ्लूटिकासोन दी जा सकती है, हेल्सिनोमाइड टॉपिकली और मेड्राइसोन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए काम में ले रहे होते हैं। अब इन सभी स्टीरॉइड्स का यूज़ कहाँ पे अपन कर रहे होते हैं, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी किसी के अंदर हो रहा हो, क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी जैसे एडिसन डिजीज में होता है। अब एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में हाइड्रोकॉर्टिसोन या डेक्सामेथासोन अपन IV दे सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका बोलस इंजेक्शन देना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्फ्यूज़ कर दो आइसोटॉनिक सेलाइन के अंदर या ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ में आप इसको दे सकते हो। तो फर्स्ट तो बोलस, बोलस मतलब लार्ज डोज, हायर डोज होती है। दूसरी, अगर क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो रही है जिसको अपन एडिसन डिजीज कहते हैं, इसमें अपन हाइड्रोकॉर्टिसोन ओरली दे सकते हैं, साथ में सॉल्ट और वाटर एडिक्युएटली अपन दे सकते हैं। पेशेंट जो सोडियम का ज़्यादा एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं तो उसमें एडिशनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी अपन दे सकते हैं, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इसमें ऐड करके अपन दे सकते हैं। ये एडिसन डिजीज़ दिखाई गई है, पीली सी भूरी सी स्किन हो जाती है, ग्लूकोज कम हो जाता है, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन, पॉस्चर बिगड़ने की वजह से BP कम, बॉडी हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है फीमेल्स के अंदर, आप देखिए मेल्स जैसे देखने मिल रहे होते हैं, वेट लॉस हो जाता है, GI डिस्टर्ब हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, ये एडिसन डिजीज़ है। एड्रिनल क्राइसिस में लंबे देर तक थकावट रहती है, पर्सन में पानी की कमी आ जाती है,
वैस्कुलर कोलैप्स होता है, बीपी कम की वजह से रिनल शंट डाउन हो जाता है, सोडियम और पोटेशियम का सीरम में इम्बैलेंस आ जाता है। अब एडिनल हाइपरप्लेसिया अगर किसी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम अपन इसको कह रहे होते हैं, ये कंजेनाइटल डिजीज है क्योंकि जन्मजात देखने को मिल रही होती है एडिनल हाइपरप्लेसिया, ये एक जेनेटिक डेफिशिएंसी है। 21 हाइड्रोक्साइलेज की वजह से देखने को मिलती है, इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस कम हो जाता है जिससे कि एसीटीएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और एड्रिनल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, यानी एड्रिनल का साइज बढ़ जाएगा। एंजाइम डेफिशिएंसी जो है वो पार्शल होती है मोस्टली केसेस के अंदर, इसमें वीक एंड्रोजन का अमाउंट एक्सेस में हो जाएगा। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट ढंग से इनमें हो नहीं पाता, और अगर डेफिशिएंसी सीवियर हो गई तो सॉल्ट की भी वास्टिंग इनके अंदर होगी। इसके ट्रीटमेंट में हाइड्रोकॉर्टिसोन 0.6 mg पर kg में आप दे सकते हो। सॉल्ट वास्टिंग में सॉल्ट वास्टिंग परसिस्ट कर सकती है, फ्लूटोकॉर्टिसोन दे सकते हो। अगर सॉल्ट वास्टिंग परसिस्ट कर गई तो 50 से 200 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से आप दे सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन है आर्थराइटिस, जिसमें आर ए ओ और रूमेटिक फीवर आता है, सारी आर्थराइटिस की फॉर्म है। आर ए में सीवियर केसेस के अंदर एन एस आई डी के साथ में एडजुवेंट के रूप में आप ये ड्रग्स दे सकते हो। ये सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस वगैरह को कम करने का काम आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आप दे सकते हो एक्यूट एक्सर्बेशन को कम करने के लिए, और साल में 2-3 बार इस कंडीशन को, इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हो। इसका पोटेंशियल बट हैव द पोटेंशियल टू कॉज जॉइंट डिस्ट्रक्शन, पर भाई बहुत ज़्यादा दे दी तो ये जॉइंट डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकती है। रूमेटिक फीवर में कार्डाइटिस और कंजेसिव हार्ट फेलियर के सीवियर केसेस साथ में देखने को मिल रहे हैं, अगर रूमेटिक फीवर में तो अपन यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एस्पिरिन भी साथ में एडिशन में दे सकते हो कॉर्टिकॉइड्स के बाद में, विड्रॉल वो जो विड्रॉल सिम्टम है उसको रोकने के लिए या उसको विड्रॉन के लिए अपन दे सकते हैं। गाउट में कॉर्टिकॉइड्स दे सकते हो, शॉर्ट कोर्स इसका देना होता है। एक्यूट गाउट या आर्थराइटिस किसी को हुआ तो एनएसएआईडी अगर फेल हो गया हो तो अपन ये दे सकते हैं। कॉल्चिसन टॉलरेट नहीं हो रही हो, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन अपन उस केस में सॉल्युबल जीसी का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रेफर करते हैं। दो दे आर यूज इन क्रॉनिक गाउट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि यूरिकोस यूरिक शो करते हैं इसलिए क्रॉनिक गाउट में अपन को ये नहीं देने चाहिए। इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी के अंदर अपन कोलाजन वैस्कुलर डिजीज़ किसी को हुई हो जैसे सिस्टमिक ल्यूपस इराइडोमेटोसस तो अपन ये मेडिसिन दे सकते हैं। पॉली आर्थराइटिस नोडोसा हुई हो, डर्मेटोमायोसाइटिस, सार्कोइडोसिस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ मिक्स टाइप की हुई हो तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी की आवश्यकता हमें पड़ती है, लाइफ सेविंग ड्रग है इन डिजीज़ के अंदर। थेरेपी जनरली अपन को हाई डोज से स्टार्ट करनी है, फिर उसकी मेंटेनेंस डोज तक अपन उसको दे सकते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग किसी के द्वारा प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कर रहे हो, स्किन कर रहे हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो हाई डोज के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपन यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी कई इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि एजाथायोपरिन भी अपन दे सकते हैं रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी को हुआ हो, सेकेंडरी टू मिनिमल लेजर नेफ्रोपैथी के अंदर इम्यूनोलॉजिकली हुई हो तो अपन ये ड्रग दे सकते हैं। तो स्टीरॉयड थेरेपी के को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका स्टीरॉयड थेरेपी का अपन को मिलता है। इसमें अपन प्रेडनिसोलोन 60 mg दे सकते हैं 6 वीक तक। 95% केस में 3 मंथ्स के अंदर ये रियामेशन जो है वो शो कर देती है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्रॉनिक हेपेटाइटिस वगैरह हुई हो तो अपन ये डिजीज़ दे सकते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ये अच्छा रिस्पांस दिखाती हैं। लॉन्ग टर्म थेरेपी की ज़रूरत होती है कई बार क्योंकि रिलैप्सेस इनमें कॉमन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्रॉनिक डीमाइलिनेटिंग पाइलोन्यूरोपैथीज में भी अपन ये दे सकते हैं इम्यून रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए, पर प्रोग्रेशन में नहीं देते। जीबी सिंड्रोम, गुलियन बैरे सिंड्रोम में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और फाइनल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए भी स्टीरॉइड्स अपन देते हैं। ब्रोंकियल एस्थमा के केस के अंदर इन्हेलेशन के थ्रू या सिस्टमिक स्टीरॉइड्स को अपन प्रेफर करते हैं। इनहेल्ड स्टीरॉइड्स में बैक्लोमीथाजोन, ब्यूडिसोनाइड,
फ्लुनिसॉल है, फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, ट्रायमकाइनोलोन, कॉन्कोमिटेंट बीटा एगोनिस्ट या थियोफाइलिन की लो डोज ऑफ स्टीरॉइड्स अपन दे रहे होते हैं या डिक्रीज डोज अपन देते हैं। अदर लंग डिजीज़ में जैसे एस्पायरेशन, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा किसी को हो गया हो तो भी दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए इम्प्री मैच्योर बच्चों के अंदर ये अपन दे सकते हैं। लो डोज के बीटा मिथाजोन 12 mg IM दे सकते हो 24 घंटे के इंटरवल में माँ को प्री मैच्योर डिलीवरी वाले केसेस के अंदर, प्रीटर्म बेबी किसी के हो रहा हो तो उसमें अपन दे सकते हैं। इन्फेक्टिव डिजीज जैसे TB हो रहा हो, सीवर लेप्रा रिएक्शन हो रही हो, बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस दिमागी बुखार है, न्यूमोसिस्टाइटिस क्रैनी न्यूमोनिया हुआ हो, एड्स के पेशेंट्स के अंदर ऐसा हो जाता है तो आप ये दे सकते हैं। स्किन डिजीज़ के अंदर टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं एक्जिमेटस स्किन डिजीज़ के अंदर। सिस्टमिक थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही होती है जब लाइफ सेविंग डिजीज़ के रूप में तो अपन ये दे सकते हैं। डिजीज़ का नाम आपने देख लिया यहाँ पर, जॉनसन डिजीज़ वगैरह, तो इनमें अपन ये दे सकते हैं। इंटेस्टाइनल डिजीज़ जैसे किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, क्रॉन्स डिजीज़, सिलेक डिजीज़ हुई हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह में अपन दे सकते हैं। एक्यूट फेजेस के अंदर कॉर्टिकॉइड जो हैं वो दिए जाते हैं। मैलिग्नेंसी कैंसर जैसे हिमाटोपॉइटिक मैलिग्नेंसी में हॉजकिन डिजीज़ हुई हो, हॉजकिन लिम्फोमा वगैरह या दूसरे लिम्फोमा हुआ हो तो अपन दे सकते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका सेकेंडरी रोल होता है। सेरेब्रल एडिमा ट्यूमर्स वगैरह की वजह से, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस वगैरह में ये अच्छा रिस्पॉन्स दिखाती है। डेक्सा या बीटा मिथाजोन अपन ऐसे में दे सकते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हुई हो स्पाइनल इंजरी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को कम करने का काम आती है। बेल्स पाल्सी में ओरल प्रेडनिसोलोन दी जा सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर मिथाइल प्रेडनिसोलोन अपन IV दे सकते हैं 1 ग्राम में डेली, 2-3 दिन के लिए दिया जा सकता है शुरुआत में। सेप्टिक शॉक के अंदर रिसेंट स्टडी शो कर रही है लो डोज में अपन देंगे IV इन्फ्यूज़न तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। थायराइड स्टॉर्म जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे पेशेंट्स को ये अपन कॉन्कमिटेंट एड्रेनल इंसफिशिएंसी के रूप में दे रहे होते हैं। ये पेरिफेरल T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोकती हैं। पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस फंक्शन के लिए भी अपन नॉर्मल कॉर्टिसोल का लेवल 3 mg/dL के रूप में दे सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम है तो 5 mg से कम, इससे ज़्यादा की डोज पर डीएल के रूप में दी जा रही होती है। अब इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर्ड हो जाएगा, बताया था ना मैंने, शोल्डर्स और बैक में डिपॉजिट हो जाता है तो बफेलो हम्प हो जाता है। इसके अलावा ये बॉडी में एडिमा, हाइपोकैलीमिया, BP को हाई करना, HPA को सप्रेस कर देना, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसोयूरिया, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, यूरिन में भी निकलने लग जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, आंखों में भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसी बीमारियाँ होने का डर रहता है, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, मायोपैथी, मसल वास्टिंग वगैरह, इन्फेक्शन होने का खतरा क्योंकि इम्यूनिटी को सप्रेस कर रही हैं। सीनेस पे साइड इफेक्ट में यूफोरिया, हर समय इंसान खुश खुश रह रहा होता है, नींद उसको आती नहीं, नर्वसनेस होने लग जाती है। कोई सर्जरी हुई हो, कोई घाव हुआ हो तो उसकी हीलिंग डिले हो जाती है, बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, इंट्रा यूटराइन ग्रोथ जो है बच्चे की उसके ऊपर प्रॉलॉन्ग थेरेपी के बाद वो क्या डिले हो जाती है, ढंग से हो नहीं पाती। प्रेगनेंसी के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और प्री क्लैम्पसिया इसकी वजह से कॉज हो जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में नहीं दे सकते, तो पेप्टिक अल्सर में दवाइयां हम नहीं दे सकते, डायबिटीज मेलाइटस में नहीं दे सकते, हाइपरटेंशन हुआ हो, किसी को वायरल फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, ट्यूबरक्यूलोसिस और दूसरे इन्फेक्शंस में नहीं दे सकते, ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं दे सकते, हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस में नहीं दे सकते, साइकोसिस में नहीं दे सकते, एपिलेप्सी किसी को है, कंजेसिव हार्ट फेलियर है, रीनल फेलियर है तो अपन ये मेडिसिन नहीं दे सकते। इसके अलावा मेट्रापोन बताई हुई है, ये 11-बीटा हाइड्रोक्साइलेज को इनहिबिट करती है एड्रेनल कॉर्टेक्स में और हाइड्रोकॉर्टिसोन के सिंथेसिस को रोक देती है। लेवल फॉल करती है, ACTH के रिलीज को बढ़ा देती है, सिंथेसिस को बढ़ा देती है, सिंथेसिस रिलीज और एक्सक्रीशन को ये यूरिन में
डिसऑक्सी कॉर्टिजोल के यूरिन में सिंथेसिस, रिलीज और एक्सक्रीशन को बढ़ा रही है। पिट्यूटरी के रिस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट करने में अपन ये काम में लेते हैं, ACTH की प्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी को में भी ये काम में ली जाती है, उसकी टेस्ट को उसको भी टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स है, अमाइनो ग्लूटामाइड, ट्रायलोस्टेन, हाई डोज किटोसोल जोल की अपन काम में ले सकते हैं, स्टेरॉयडोजेनिक एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए, बस बाकी आप देख लीजिएगा। मेफेप्रिस्टोन ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एंटागोनिस्ट है, एंटी प्रोजेस्टिन के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं, कुशिंग सिंड्रोम में अपन इसको काम में ले सकते हैं, या इन ऑपरेबल केसेस जो है एड्रिनल के, कैल्शियम वगैरह के पेशेंट्स में तो वो अपन ले सकते हैं इस ड्रग को, मेफेप्रिस्टोन को। इसके साथ आपका ये स्टीरॉयड नाम का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। आज